The Tale of Melon City by Vikram Seth. In the city of which I sing, say, to edify spectators there tak. Now, just ka meaning hai yahan par, based on or behaving according to what is morally right and fair. Placid means calm. Proclaimed means announced officially or publicly. Arc means a curved symmetrical structure spanning an opening and typically supporting the weight of a ब्रिज, रूफ और वॉल अबव इट. तो आर्क आपने देखा होगा जो कि एक कर्व स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रिज, रूफ या वॉल को सपोर्ट करता है. ट्रायम्फैली यानी कि सेलिब्रेटिंग अ विक्ट्री. स्पैन यानी कि सेलिब्रेटिंग अ विक्ट्री. सो ट्रायम्फैली और स्पैन का मीनिंग सेम है. थोरोफेयर मीन्स अ मेन रोड इन अ टाउन. एडिफाई मीन्स इंस्ट्रक्ट स्पेक्टेटर्स यानी कि ऑन लुकर्स. सो इन लाइन्स का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जिस सिटी के बारे में पोइट जो है वो बात कर रहे हैं उसे एक जस्ट और प्लेसिड किंग जो है वो रूल करता था. जस्ट का मतलब होता है बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मोरली राइट एंड फेयर, एंड प्लेसिड का मतलब होता है काम. तो जो किंग था वो अपने किंगडम को, अपने शासन को फेयर और काम तरीके से चलाता था, यानी कि एकदम शांति से और फेयरली यानी कि सही तरीके से चलाता था. तो एक दिन जो किंग है वो ऑर्डर करता है कि टाउन का जो मेन रोड है वहां पर एक आर्क बनाने के लिए ताकि उसका विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट हो सके. और उसको लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा और जो देखने वाले लोग होंगे वो आर्क को देख कर मोटिवेट भी होंगे. Now, the workman went and built the thing, say, the rope and gallows were arranged tak. Now, frown ka matlab hota hai, a facial expression indicating disapproval. Gallows ka matlab hota hai, a structure typically of two uprights and a cross piece for the hanging of criminals. Yani ki gallows, yani ki fasi. Okay, fasi ka jo fanda hota hai, usi ko gallows bolte hai. To, iska explanation kuch aise hai ki, तो क्योंकि किंग का ऑर्डर था एक आर्क बनाने का, तो जो वर्कमैन थे उन्होंने उसके ऑर्डर को मानते हुए एक आर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो उसके इनॉग्रेशन के लिए और सभी लोगों को दिखाने के लिए जो किंग है वो थोरोफेयर में जाता है, यानी कि टाउन का जो मेन रोड है वहां पर जाता है. और वहां पर जैसे ही किंग जाता है तो उसका जो हेड होता है वो आर्क से टकरा जाता है, क्योंकि जो आर्क था वो बहुत ही नीचे था, यानी कि बहुत ज्यादा ही डाउन था, जिसकी वजह से किंग का जो हेड है वो आर्क से टकरा जाता है. उसका जो एक्सप्रेशन था सडनली चेंज हो जाता है, यानी कि किंग का जो एक्सप्रेशन था काम एक्सप्रेशन वो बदल जाता है और उसके फेस पर डिसप्लेजर यानी कि जो नाखुशी थी वो साफ साफ दिख रही थी. तो किंग ने इसे अपना डिसऑनर समझा, यानी कि अपमान समझा, और उसने ऑर्डर किया कि जो बिल्डर्स का चीफ है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए. तो किंग के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो फांसी का फंदा है उसे तैयार किया गया. नाउ द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, से द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज तक. तो हॉल्ट का मतलब होता है ब्रिंग और कम टू एन एब्रप्ट स्टॉप. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है, तो बिल्डर्स का जो चीफ था उसे खोज लिया गया और उसे किंग के सामने लाया गया. तो जब उसने किंग को देखा तो उसने किंग को बताया कि ये मेरी गलती नहीं है, ये वर्कमैन की गलती है. तो फिर किंग ने क्या किया कि उसने बोला कि ठीक है, बिल्डर्स के चीफ को छोड़ दिया जाए और वर्कमैन को फांसी पर चढ़ा दिया जाए. तो ये सुनकर जो वर्कमैन थे वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि जो ब्रिक्स थे, जो ईंटें थे, वो सही साइज के नहीं थे. समन द मैशन, सेट द किंग, से द आर्किटेक्ट वाज समंड तक. तो समन का मतलब होता है ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट. मैशन का मतलब होता है अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स. क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग विथ अ स्लाइट रैपिड मोशन. और आर्किटेक्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड इन मेनी केसेस ऑल्सो सुपरवाइजेस देयर कंस्ट्रक्शन. इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है, तो जैसे ही किंग ने सुना कि जो ब्रिक्स थे वो रॉन्ग साइज के थे, तो किंग ने मैशंस को बुलाया. द मैशंस वर ट्रेम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ द किंग, यानी कि जो मैशंस थे वो किंग के सामने कांप रहे थे और उन्होंने सारा ब्लेम यानी कि सारा दोष
आर्किटेक्ट पर डाल दिया और फिर आर्किटेक्ट को बुलाया गया. वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी से द वाइसेस्ट मैन इन दिस कंट्री. सो यहाँ पर ऑर्डेन का मतलब होता है ऑर्डर समथिंग ऑफिशियली. अमेंडमेंट्स मीन्स एक छोटा सा चेंज करना, अ माइनर चेंज और एडिशन डिजाइंड टू इम्प्रूव समथिंग. सॉ रेड यानी कि बिकेम एंग्री एंड काउंसिल यानी कि एडवाइस स्पेशली डेट इज गिवन फॉर्मली. नाउ इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि तो जैसे ही आर्किटेक्ट जो है वो आता है तो किंग उसे कहता है कि इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो, इसमें तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा. तभी जो आर्किटेक्ट है वो मेंशन करता है, वो बताता है कि वो किंग ही था जिसने लास्ट मिनट पर आर्किटेक्ट का जो इनिशियल प्लान था उसमें चेंजेस किया था. यानी कि वो किंग ही था जिसने लास्ट मिनट पर उसके प्लान को चेंज किया था. तो ये सब कुछ जो है वो इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा था कि इन सब कुछ में किंग की ही गलती थी. नाउ किंग जो है वो गुस्से से लाल हो जाता है, बट सिंस ही वॉज जस्ट एंड प्लेसिड, क्योंकि वो जस्ट एंड प्लेसिड था, फेयर और राइटली रूल्ड करता था और काम था, तो ही थॉट इट वुड बी बेस्ट टू कंसल्ट समवन इन सच अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन. तो उसने सोचा कि ये बेस्ट रहेगा कि किसी ऐसे को बुलाया जाए और उससे राय लिया जाए. तो उसने ऑर्डर किया कि जो सबसे वाइसेस्ट पर्सन है, जो सबसे चलाक पर्सन है, उसे जिंदा पकड़ के लाओ. नाउ द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट से द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड तक. तो क्वेवरिंग का मतलब होता है शेक और ट्रेम्बल इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में हिचकिचाना, टिपिकली थ्रू नर्वसनेस और इमोशन. नर्वसनेस की वजह से बोलने में हिचकिचाना, क्वेवरिंग उसको बोलते हैं. तो उन्होंने सबसे वाइसेस्ट मैन को खोज लिया, यानी कि सबसे चालाक आदमी को उन्होंने खोज लिया. लेकिन अब उसे रॉयल कोर्ट में भी ले जाना था, क्योंकि वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा ही बुढ़ा था और वो ना तो ठीक से देख पा रहा था और ना ही ठीक से चल पा रहा था. तो उसके एज की वजह से ही उसके अंदर विजडम आई थी, यानी कि उसके अंदर चालाकी आई थी, और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बुढ़ा हो गया था, तो वो डिसीजन लेने में माहिर होगा. ही फाइनली स्पोक इन हिज एक्सट्रीमली शेकी वॉइस. तो जब वो आदमी किंग के सामने आता है तो वो अपने शेकी वॉइस में कहता है कि जिसे फांसी पर चढ़ाना चाहिए वो है आर्क, यानी कि जो आर्क है उसे ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो आर्क ही था जिसने किंग के क्राउन को गिराया, किंग का अपमान किया, इसलिए आर्क को ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए. नाउ टू द स्काफोल्ड द आर्क वॉज लेड से समवन एंड दैट इमीडिएटली तक. स्कैफोल्ड यानी कि अ रेज्ड वुडन प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर्मली फॉर द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स. स्कैफोल्ड यानी कि फांसी देने वाली जो जगह होती है. एंड म्यूज्ड यानी कि से टू वन सेल्फ इन अ थॉटफुल मैनर, यानी कि खुद में ही फुसफुसाना. ओके तो चलाक आदमी के ओपिनियन को सुनने के बाद अब आर्क को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही थी कि तभी रॉयल कोर्ट का एक मिनिस्टर जो है वो ऑब्जेक्शन करता है और वो कहता है कि ये बहुत ही शर्मनाक होगा कि ऐसे चीज़ को फांसी पर चढ़ाना जिसने किंग के सर को छुआ, यानी कि किंग के सर को उसने छुआ, तो ऐसे चीज़ को फांसी पर चढ़ाना बहुत ही अपमानजनक बात होगी. तो किंग ने भी इसको अप्रोप्रिएट माना, यानी कि सही माना. लेकिन बाय दिस टाइम जो क्राउड था वो अनसेटल्ड हो गया, यानी कि जो क्राउड था उसको पसंद नहीं आया और वो चाहते थे किसी भी कीमत पर कि जिसकी गलती है उसे फांसी पर चढ़ाई जाए. तो अब क्योंकि जो किंग था वो जस्ट और प्लेसिड किंग था, तो उसने लोगों के गुस्से को देखते हुए कहा कि जो फांसी है उसको पोस्टपोन की जाए ताकि हम क्रिमिनल को ढूंढ सके और हमें टाइम मिले क्रिमिनल को ढूंढने के लिए. और वो आगे कहता है कि अगर नेशन चाहता है कि फांसी हो तो एक बार जो अपराधी है वो मिल जाए तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा. नाउ द न्यूज वॉज सेटअप समवॉट हाई से वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाई रॉयल डिक्री तक. तो न्यूज यानी कि फांसी का फंदा. अ लूप विथ हर रनिंग नॉट टाइटनिंग एज द रोप और वायर इज पुल्ड एंड यूज टू ट्रैप एनिमल्स और हैंग पीपल. डिक्री यानी कि एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ.
तो क्योंकि किसी ना किसी को फांसी पर चढ़ाना था, तो इसलिए जो फांसी का फंदा है उसे तैयार किया गया और ये डिसाइड किया गया कि जो भी इस फांसी के फंदे में फिट आएगा उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो सभी आदमियों को बुलाया गया और सबकी मेजरमेंट ली गई, पर जो नूल्स था यानी कि जो फांसी का फंदा था वो बहुत ही ऊंचाई पर बंधा हुआ था और जो सबसे टॉल मैन था वही फांसी के फंदे में फिट आ सकता था। तो सबसे टॉल मैन जो है वो किंग ही था। तो फाइनली उनको मिल गया एक ऐसा आदमी जो कि फांसी के फंदे पर फिट आ रहा था और वो था किंग। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर से, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड तक। सो अनरूली यानी कि डिसऑर्डरली और अगेंस्ट द क्राउन मीन्स क्वेश्चनिंग द पावर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द स्टेट। तो फाइनली जो मिनिस्टर्स थे रॉयल कोर्ट के उन्होंने रिलीफ की सांस ली और उन्होंने कहा कि फाइनली कोई तो मिला जो इस फंदे पर फिट आएगा और अब एक न्याय होगा। उनको डर था कि अगर कोई भी इस फांसी के फंदे पर फिट नहीं आता तो ये न्याय नहीं होता और उनका जो राज्य है उनका जो किंगडम है उसको लोग उसमें न्याय मांगने नहीं आते क्योंकि वो समझते कि यहाँ पर न्याय नहीं होता है। तो उनका जो कंट्री का इंटीग्रिटी है और पावर है उस पर क्वेश्चन उठता, उस पर प्रश्न उठते। तो अब किंग को फांसी पर चढ़ाया गया और सब लोग जो है लॉन्ग लिव द किंग कहने लगे क्योंकि जो किंग था वो अब जिंदा नहीं था, किंग जो है वो मर चुका था। तो जैसे ही किंग को फांसी पर चढ़ाया गया जो सभी लोग थे उन्होंने लॉन्ग लिव द किंग कहा और उनका जो किंग था वो मर चुका था। तो वो चाहते थे कि उनका जो राजा है उनका जो किंग है वो लॉन्ग लाइफ जिए, लेकिन वो इस बात पर रिलीफ भी फील कर रहे थे कि कोई ना कोई तो फांसी पर चढ़ा और न्याय हुआ चाहे वो हमारा राजा ही क्यों ना हो। तो वो इस बात को सोचकर रिलीफ फील कर रहे थे। दे पॉन्डर द डिलेमा देन से बी इन्फोर्स्ड ड्यू सेरेमनी तक। पॉन्डर्ड यानी कि थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन और रीचिंग अ कंक्लूशन। हेराल्ड्स यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जो देखता हो स्टेट सेरेमोनियल्स को, प्रिसेडेंट्स एंड यूज द आर्मोरियल बियर्डिंग्स एंड टू मेक प्रोक्लेमनेशन, कैरिंग ऑफिशियल मैसेजेस एंड ओवरसी टूर्नामेंट्स। प्रोक्लेम यानी कि अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। तो एट फर्स्ट जो मिनिस्टर्स थे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो अपना नया राजा जो है उसे कैसे चूज करे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो भी इस सिटी गेट से निकलेगा, जो भी पर्सन इस सिटी गेट से पहले निकलेगा वो ही बताएगा हमें कि हमारा नया राजा कौन होगा और जिसको भी वो चूज करेगा उसे ही हम अपना नया राजा बनाएंगे अपने सारे रीति रिवाज के साथ। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट से एंड रिवरेंटली सेट इट डाउन तक। रिवरेंटली यानी कि विथ डीप एंड सोलोमन रिस्पेक्ट। तो जिस आदमी ने उस सिटी गेट से पास किया वो एक ने था यानी कि एक इडियट था, वो एक पागल था। तो गार्ड्स ने उसे स्टॉप करके पूछा कि बताओ कि हमारा नया राजा कौन होगा, हमारा नेक्स्ट राजा कौन होगा। तो क्योंकि वो इडियट था तो उसने आंसर किया, उसने कहा अ मेलन। इसमें ना तो उसकी और ना ही किसी की गलती थी क्योंकि उस आदमी से जो कोई भी चाहे कैसा भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछे वो हमेशा उसके जवाब में उसके आंसर्स में मेलन ही कहा करता था क्योंकि मेलन जो है वो उसका फेवरेट फ्रूट था। तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ एक मेलन को सिटी का राजा बना दिया और उसको क्राउन पहना दिया। उन्होंने मेलन को सिंहासन पर बैठाया और कहा कि यही हमारा नया राजा है। दिस हैपेंड इयर्स एंड इयर्स एगो से द प्रिंसिपल्स ऑफ लेसेज फेयर तक सीम टू बी वेल यानी कि स्टैब्लिश देयर कस्टमरी यानी कि अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स और यूजुअल प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर सोसाइटी प्लेस और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। रिजॉयस यानी कि फील और सो ग्रेट जॉय। लेसेज फेयर यानी कि द पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग। नाउ अब मेलन को नया राजा बना दिया गया बहुत सालों के लिए और जो कोई भी उस सिटी के लोगों को पूछा करता कि ये सब कैसे हुआ तो वो सभी बोलते कि कस्टमरी चॉइस यानी कि सभी रीति रिवाज के साथ ये हुआ।
इसका मतलब ये है कि उनके जो रेगुलेशंस थे उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो अपना राजा जो है वो एक मेलन को बनाए। लेकिन अब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश है कि उनका राजा जो है वो एक मेलन है, क्योंकि अब वो ज्यादा पीस यानी कि शांति से रह सकते हैं और वो अपना फ्रीडम जो है वो इंजॉय करते हैं। और अब क्योंकि उनका जो किंग है वो उनके कामों में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो वो ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से रह पा रहे हैं।